हेलो गाइस, वेलकम टू श्रोता किचन। आज हम आप लोग को लेकर आए बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा, जो मुंबई में जैसे बड़ा पाव है उसी तरह बिहार में ही फेमस है लिट्टी चोखा का। तो आज हम आप लोगों को लिट्टी चोखा कुकर और कढ़ाई में बनाकर दिखाएंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं। सभी बैंगन को मैंने धो के कपड़े से पोंछ लिए हैं और टमाटर के भी। अब इसमें हम जीरा लगाएंगे और इसको हम इसी तरह हम सभी बैंगन को जीरा लगाकर चेक कर लेंगे कि खराब है कि नहीं। जीरा के अंदर हम लहसुन डालेंगे और एक हरा मिर्च डालेंगे इसी के अंदर। इसी तरह हम सभी में दो दो पीस करके डाल देंगे। टमाटर में हम क्या करेंगे, हल्का जीरा लगाएंगे क्योंकि छिलका इसको निकालने में हमको आराम होगा। तो चारों साइड से हल्का हल्का हम जीरा लगा देंगे। इसी तरह हम जीरा लगा देंगे। सभी में हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे इसके, टमाटर में भी और बैंगन में भी। सभी में हम तेल लगाकर रख लेते हैं। रेड चिल्ला का हम स्टैंड डाल दिए हैं, बैंगन पकाने का जो स्टैंड होता है वो डाल दिया। उस पर हम सभी बैंगन को डाल देंगे, साथ में ही हम टमाटर को भी डाल देंगे और इसको बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और सभी को हम पका लेते हैं। देखिए सभी को मैंने पलट दिया है। गैस को एकदम कम रखना है, मीडियम गैस पे रखिएगा। जो हाई पे रखने से क्या जल जाएगा और पकेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे ये सीखता जाएगा और सबको पलटना है। इसी तरह हम सभी बैंगन और टमाटर को पका के रेडी कर लेते हैं। टमाटर पक गया है, गैस मैंने बंद कर दिया। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम छीलते हैं। तेल लगाने से क्या होता है, छिलका जल्दी उसमें से निकल जाता है। तो सभी को हम आराम से हम छील लेते हैं। सभी को छील के उसको हम रख लेते हैं। डंठल को चाकू से काट के हटा दीजिए। देखिए टमाटर को मैंने छील लिया है। ये टमाटर भी सभी मैंने छील के रख लिए हैं। जो मैंने चीरे लगा था उसमें से मैंने लहसुन को और मिर्ची को सभी को अलग कर लेंगे। एक बार फिर हम सभी को चीर चीर के थोड़ा चेक कर लेंगे कि खराब तो नहीं है। मैंने तो पहले चेक कर लिया था, फिर भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और टमाटर को क्या करना है, जो कटिंग करना है डंड के साइड इसे कटिंग करके आप इसको हटा दीजिए। हमको मसलना है, लहसुन को भी हम इसमें ठकुस देंगे। तीन उबला हुआ आलू हम डाल रहे हैं, उसको भी काट के मसल देंगे। साथ में इसको मसल के तीनों चीज़ को हम मिक्स करेंगे। नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे, 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून हम रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून हम करियंडर पाउडर धनिया पाउडर डाल रहे हैं। 1 हम प्याज हैंड चॉप कटिंग करके डालेंगे और 1 ग्रीन चिल्ली हम डाले हैं। और जो साथ में हम एक बैंगन के साथ डाले थे वो मिर्ची भी है और धनिया पत्ता है। सभी को हम मिक्स करेंगे। सरसों तेल हम इसमें डालेंगे। मेन इसमें सरसों तेल का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो चोखा में, तो हम 1 टेबल स्पून इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। सभी को हम मिक्स कर लेंगे। मेरा चोखा बनके रेडी है। अब हम लिट्टी के लिए आटा मिलाते हैं। आटा लिए हैं तो उसमें हम 1 टी स्पून 1/2 नमक डालेंगे। टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डालिएगा। 1 टी स्पून हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, एकदम देखिए लेवल में है क्योंकि 1 kg है। क्वांटिटी के अनुसार हम इसमें बेकिंग सोडा भी डालेंगे। 1/2 टी स्पून हम जवाइन डालेंगे इसमें। हम इसको थोड़ा सा मसल देंगे जवाइन को, क्योंकि खुशबू भी आता है और टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। 1/3 कप हम इसमें घी डाल रहे हैं। घी मेरा जमा हुआ था इसलिए हम इसको गर्म किए हैं।
तो अब इसके घी की जगह आप रिफाइन भी इसको यूज कर सकते हैं। अब सभी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे हाथ से, पहले सभी को अच्छे से हम मिला लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट गोड़ बनाएंगे। एकदम ज़्यादा हमको कड़ा भी नहीं हमको सानना है और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। हम आपको बनाकर गोड़ तैयार करके दिखाते हैं। मैंने सॉफ्ट आटा बना लिया है, इसको मसल मसल के आटा को हमने रेडी किया है। 12 मिनट कम से कम इससे में लग गया है। इसको अब हम ढक के इसको रख देते हैं। अब मेरा चोखा भी तैयार हो गया और आटा भी मैंने तैयार करके रख लिया। अब हम सत्तू तैयार करते हैं। इसको ढक के 25 मिनट के लिए इसको हम ढक के छोड़ देते हैं। और हाफ और डालेंगे, 1.5 हम इसमें सत्तू डालेंगे। 1/3 कप हम सरसों का तेल डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम आम का अचार का मसाला डालेंगे। मसाले की जगह पर आप नींबू का रस भी इसमें यूज कर सकते हैं। 1 फाइन हम प्याज बड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग किए हैं। और 1 टेबल स्पून हम धनिया पत्ता इसमें डालेंगे, वो भी मैं ही कटिंग किया हुआ है। 15 पीस हम लहसुन का है और 4 मिर्ची है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार तीता कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 इंच हम अदरक का टुकड़ा, इसको आप छोटे छोटे फाइन चॉप कटिंग करके भी आप डाल सकते हैं। और इसको हम कूट के डालेंगे। मैंने तीनों सांभर कूटे हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे। टेस्ट करने से नमक डालेंगे हम, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे इसमें नमक। अभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। रेडी हो गया है, इसे छोटा छोटा गोल गोल हम बॉल बना के रख लेते हैं। अब इसको इसी तरह आप खा सकते हैं, इतना टेस्टी लगेगा आपको खाने में। तो हम छोटे छोटे बॉल इसी तरह बना के पहले रख लेते हैं सभी को। इसमें हम 4 टीस्पून के लगभग इसमें हमको पानी लगा है। अब पानी की जगह इसमें तेल भी डाल के रख सकते हैं। तो हमने 4 चम्मच इसमें पानी लगा के, ज़्यादा सूखा हमको नहीं रखना है। ये देख रहे हैं कि एकदम मेरा गोल बन सकता है, इतना हमको बनाकर सभी को हम बना के इस तरह रख लेते हैं। हम मैंने गोल बना के रख लिया है। ये आटा भी 25 मिनट हो चुका है, आटा भी रेस्ट है। अब हम थोड़ा सा आटा निकालेंगे, जो बचा हुआ आटा है उसको हम रख दिए। जो मुझे अभी इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करिए। लोई हम इसको बना लेते हैं। एक लोई को हम लेंगे, इसको थंब से यानी औंठा से हम इसको गोलाई आकार डालेंगे। साइज आप अपना अनुसार बड़ा छोटा बना सकते हैं। ये देखिए बन गया। और इसमें एक हम डालेंगे अंदर को, पुश करेंगे इस तरह। ऊपर जो है उसको हम गोल मुँह उसको बंद करेंगे। और इस तरह करने के बाद ये देखिए जो थोड़ा सा बचा हुआ, इसको चाहे तो इसको अंदर इस तरह दबा सकते हैं, या नहीं तो उसको तोड़ भी सकते हैं। इसी तरह हमको सभी को बना लेना है। फिर हमने डाला, फिर हम आप थोड़ा सा उसको चाप के बना सकते हैं। और इसे गोल ही आकार में ये देखिए, ये बिहार के एकदम फेमस लिट्टी चोखा है। आज हम स्टीम कढ़ाई और कुकर में करके आपको दिखाएंगे। सभी हमने बना के रेडी कर लिए हैं। और गैस पे हम कढ़ाई एक साइड और एक साइड हमने कुकर चढ़ा दिया। दोनों को एक ही बार मैंने आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने एक ही बार। तो बस देखिए कुकर के कवर में बस हमको ये पैप इसको निकाल देना है और सीटी हम इसमें लगे रहने देंगे। और 5 मिनट हो चुका है, हमने सभी को 5 मिनट से कम ही हुआ होगा गर्म होने के लिए हमें दिया। इसमें थोड़ा सा हम तेल डालें, घी डालेंगे, तेल भी डाल सकते हैं। मैंने घी डाल दिया है, घी डाल दिए हैं। अब इसमें हम इसमें चारों साइड से डाल देंगे जितना इसमें हम डाल सकते हैं। बारह पीस लगभग इसमें आटा है, तो उसमें डाल के हम इसको ढक देंगे। हर 5 मिनट में एकदम गैस को मीडियम रखें और 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। हम कुकर में भी 1 चम्मच से थोड़ा सा घी कम डाले हैं और चारों साइड से इसको हम फैला दिए हैं। और इसमें हम जितना इसमें आटेगा उतना हम इसमें डाल देंगे। अब इसको भी हम कवर लगा देंगे और फिर हम 5 मिनट के बाद इसको हम चेक करते हैं। गैस एकदम हम मीडियम लो फ्लेम रखे हुए हैं। सभी को मैंने एक एक करके आपको उल्टाना है इसको।
जो हमने घी डाला है वो बस इसमें कढ़ाई में चिपके नहीं, इसलिए हमने घी डाला। इसको अच्छे से पलट लीजिए। अब इसे हम भी सभी को पलट देंगे। सभी को मैंने पलट दिया है और फिर हम ढक के इसको 2 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुका है, ये थोड़ा और होगा। ये देखिए मैं चारों साइड से इसको घुमा घुमा, हर 2-3 मिनट में आप घुमा घुमा के इसको बनने में कम से कम 25 मिनट से ऊपर लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे गैस पे ये पकता है। तो इसको देखिए थोड़ा सा 5 मिनट इसको हम और होने देंगे। ये देखिए 25 मिनट से भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा है मुझे। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अरे कंप्लीट हो गया कि नहीं ये आप कैसे चेक करना, तो ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा सभी चनकिया फट फट गया है। ये देखते हैं सब हम आपको दिखा रहे, गर्म है तो मेरा हाथ भी जल रहा है, तो मैं आपको दिखा रहे। देखिए सभी अब थोड़ा थोड़ा चनक गया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको कुकर में जो है वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए हम एक आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से, और साइज में भी डबल हो गया है। आपको हम दिखाते हैं साइज में डबल है इसको। ये देखिए ये जो बिना बना हुआ है कच्चा है और ये बना हुआ है एकदम फूल कर डबल बन गया है। तो आप ये देखिए आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। अब तंदूरी आप घर पे कुकर और कढ़ाई में बना सकते हैं, ये शहर में व्यवस्था नहीं है। ये तो मेन ये जो बिहार का जो ये लिट्टी चोखा जो है, ये गोइठा, ये आग पे सिकता है, कोयला होता है उस पे सिकता है। तो हम तो मेरे शहर में तो वो सुविधा है नहीं, तो हम आपको गैस चूल्हा पे ही कढ़ाई और हम कुकर में दोनों में आपको बना के दिखा सकते हैं, और ये आप घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। बनाइए, अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। देखिए घी में डिप करेंगे थोड़ा सा, इसको हम पुश करके इसको थोड़ा सा सब इसमें घी डिप करेंगे एकदम। ये देखिए बिहारी स्टाइल आपको हम घर में इंजॉय करने के लिए एकदम आसान तरीका से आपको हम बता रहे हैं। देखिए लिट्टी चोखा रेडी है, एकदम बिहारी स्टाइल से हमने बनाया है आप सभी के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर डालिएगा, और न्यू मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।